अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं झींगा दूधी, कोलबी दूधी चा रस्सा। 5 छोटे छोटे टमाटर मैंने काट दिए हैं, ये मिक्सी में ऐड करें। 4 हरी मिर्चियां भी ऐड करें। 1/2 कप हरा धनिया धोकर रखा था, ये भी ऐड करें। नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से। एक टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके इसको पीस लें फाइन पेस्ट होने तक। 1/2 कप तेल गरम हो गया है, इसमें 10 छोटी छोटी कलियां लहसुन की कटी हुई ऐड करें, या आप कूट कर भी ऐड कर सकते हो। अब इस लहसुन को फ्राई करें गोल्डन होने तक। मैंने दिया है 600 ग्राम दूधी, छील कर मैंने काट दिया है। अब दूधी इसमें ऐड करके फ्राई करें दूधी को सॉफ्ट होने तक। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। दूधी को सॉफ्ट होने तक फ्राई करें। दूधी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें डालें पिसा हुआ मसाला। वन थर्ड कप मसाले का घोल कर पानी भी ऐड करें। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करें। एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। एक टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करें। मिक्स करें। अभी इसको ढककर पकाएं लो फ्लेम पे। पाँच मिनट बाद ढक्कन खोल दिया है, नमक कम लग रहा है, नमक ऐड करें। थोड़ी सी कसर रह गई है दूधी गलने में। वापस से इसको ढककर रखें 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट रखने के बाद ढक्कन खोल दिया है, लो फ्लेम पे ये गल चुकी है। अब इसमें 1/2 किलो छिले हुए और धुले हुए झींगे ऐड करें।
मिक्स करें। इस तरह से आपको झींगे निकाल कर डालना है, उसका पानी फेंक देना है। आधा कप पानी डालें इसमें ग्रेवी के लिए। अब इसको 5 मिनट तक सिम पर पकाएं, क्योंकि हमने अभी झींगे डाले हैं। तो अभी इसको ढककर पकाएं 5 मिनट के लिए सिम पे। 5 मिनट बाद ढक्कन खोल दिया है, देखिए ये बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ कर दें। झींगा दूधी कोलबी दूधी जा रस्सा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।